सार्वजनिक समाज कल्याण समिति ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने वार्षिक उत्सव के मौके पर लाडली सम्मान का आयोजन किया। यह आयोजन यमुना विहार C1 सुंदरम पैलेस में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मनोज तिवारी, उत्तर पूर्वी जिला अधिकारी शशि कौशल और अति उपायुक्त दिल्ली पुलिस RP मीना मौजूद रहे। कार्यक्रम में लगभग 20 दिल्ली पुलिस महिला जवान, 75 स्कूल टॉपर 10वीं 12वीं की छात्राएं, जिला अधिकारी कार्यालय उत्तर पूर्वी जिला कार्यरत लाडली और बहादुरी सम्मान दिव्यांश की जान बचाने वालों को सांसद मनोज तिवारी व जिला अधिकारी शशि कौशल द्वारा सम्मानित किया गया। मंच पर दिल्ली पुलिस महिलाओं को सम्मानित करते हुए सांसद मनोज तिवारी तो दूसरी तरफ जिला अधिकारी भी लाडलियों को शील्ड देकर सम्मानित कर रही हैं। कार्यक्रम के बारे में मनोज तिवारी ने जो कहा आप खुद सुन लीजिए। सर्वजन हित कल्याण समिति बहुत ही सुंदर कार्यक्रम करा रही है। पिछले कई वर्षों से हम लाडली सम्मान में शामिल हो रहे हैं और इस कार्यक्रम का थीम इतना अच्छा है कि इसमें हमें हर काम छोड़ करके भाग लेने का मन करता है और आगे से हम इसको और भी बड़ा करेंगे। मैं योगेश जी और उनकी पूरी टीम को, जो सर्वजन हित कल्याण समिति है, उसको बधाई देना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में इस जिले की DM, इस जिले के एडिशनल DCP और भी भिन्न भिन्न भिन क्षेत्रों के लोगों ने अपनी सहभागिता लाई। सभी पार्टियों के लीडर्स भी थे और मैं इससे 2-3 वर्षों से जुड़ा हूं और मैं इस लाडली सम्मान को इस स्तर तक ले जाना चाहता हूं कि इस लोकसभा की जो भी बेटियां कुछ ऐसा करें जिसके कारण उनको सम्मानित करके उनका उत्साह बढ़ाया जाए, वो हम इसके साथ मिलकर के करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे और बड़े लोग सभी को सम्मान यहाँ दिया जा रहा है। तो ये जो लाड़ियाँ हैं जो भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगे, उनके छोटे छोटे जो कदम हैं, जो अचीवमेंट है, उनको शील्ड और सर्टिफिकेट देकर सराहनीय कार्य यहाँ किया जा रहा है। इससे इनको जरूर प्रेरणा मिलेगी भविष्य में अच्छा। इन तस्वीरों में आप देखकर चकित रह जाएंगे कि इतनी संख्या में महिला पुलिसकर्मी क्यों हैं। तो हम आपको बता दें, सार्वजनिक संस्था द्वारा इनके बेहतर कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया है। यही नहीं, इस कार्यक्रम को रोचक बनाने और आकर्षण का रूप देने के लिए जादूकर ने भी अपनी कला का जादू बिखेरा। इसके साथ लड़कियों ने हैरतअंगेज कारनामे कर समाज को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया। कहीं देशभक्ति गानों पर अभिनय किया तो कहीं मुझे मत मारो ऐसे रोमांचित कर देने वाले गानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यक्रम में हो रहे लाडली सम्मान से मानो अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा था। इस कार्यक्रम के बारे में संस्था पदाधिकारियों ने क्या कहा आप स्वयं सुन लीजिए। ये महिलाओं का सम्मान है, बच्चियों का सम्मान है और योगेश सोलंकी जी इस संस्था के द्वारा हर साल इसको करते हैं। इस बार बहुत जोर शोर से उन्होंने किया है। इसमें मनोज तिवारी जी सांसद आए, यहाँ की DM आई, शशि कौशल जी, डॉक्टर UK चौधरी जी आए, ब्रजमोहन महावी जी ने अपना स्थान दिया, वो प्रसिद्ध रहे, भूपेंद्र महावी जी आए और सब लोगों के सहयोग से ये संस्था चल रही है। ये काम बहुत देखिए, हर वर्ष किसी चीज़ को मेंटेन करना और ख़ास तौर से महिलाओं के सम्मान की एक चीज़ को मेंटेन करना और उसके प्रति इतना एक सिंसियर एफर्ट रखना अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं पिछले करीब करीब 7-8 सालों से देख रहा हूँ के योगेश सोलंकी जी और उनकी टीम, दिनेश सोलंकी जी के साथ जो प्रयास आप लोगों का हो रहा है वो सराहनीय है। और महिलाओं को अगर सम्मान मिलेगा तो देश डबल तरक्की करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस प्रकार के प्रयास होते रहने चाहिए। बहुत ही सम्मानजनक हमारे लिए प्रोग्राम है, महिलाओं के लिए खासतौर से मुझे बहुत खुशी है कि महिलाओं को यहाँ, लाडलियों को इतना सम्मान दिया जा रहा है समाज में, जिन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, हर क्षेत्र में हर जगह वो पहुंच रही है, लेकिन जब सम्मान मिलता है, बच्चियों को सम्मान मिलता है, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, तो उनका रास्ता और सुलभ हो जाता है, वो और कॉन्फिडेंट हो जाती है। और ये प्रोग्राम पिछली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में किया गया था, इस बार यहाँ सुंदरम पैलेस में है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सोलंकी जी को, जिन्होंने अपनी समिति के द्वारा ये कार्यक्रम किया। और हमेशा वो एक निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और ख़ासतौर से उस तबके के लिए जो ज़रूरतमंद है। तो ऐसे कार्यक्रम के लिए समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाता है और लोग भी उसके साथ जुड़ते हैं और यहाँ बहुत सभी प्रतिनिधि भी। देखिए, ऐसा है कि आप सब लोग मेरे भाई हैं, पत्रकारिता के जितने भी बंधु हैं वो मेरे भाई हैं, मैं आपके बीच से हूँ।
लेकिन मैंने कुछ इसमें हटके सोचा था कि 2005 में 24 मार्च 2005 को, क्योंकि महिलाओं के लिए दुनिया ने सब कुछ किया है, हम लोग नहीं कर पाते उस हिसाब से, हम लोगों पर नहीं होता पैसा कि जो हम भी कुछ कर पाएँ। लेकिन मेरे मन में यह था कि मैं जिस तरह खबर करता हूँ, जिस तरह इलाके में जाता हूँ, लोगों की मजबूरियाँ हमको बहुत करीबी से देखने को मिलती हैं, उनको देखते हुए मैंने ये सब शुरू किया, जिसमें आप लोगों का, पूरी टीम का, पूरे जो इस संस्था के पदाधिकारी सबका उसमें बहुत सहयोग रहा, और ख़ासकर सांसद और डीएम मैडम का जो इस कार्यक्रम में सहयोग मिला है वो बहुत सराहनीय सहयोग है। और उन्होंने अब बोला है कि इस संस्था का साथ हम देंगे, पूरे तन मन धन के साथ देंगे, और सरकार से भी वो अपील करेंगे कि ऐसी संस्था के लिए कुछ ना कुछ वहाँ से भी मदद मिले, ताकि जिस तरह आज जो प्रोग्राम किया गया लाडली सम्मान, इस सम्मान को हमने पिछले वर्ष से शुरू किया था, उससे पहले हम स्ट्रीट चिल्ड्रन पढ़ाने का काम कर रहे थे, और उसके बाद हम लोगों ने झुग्गी झोंपड़ी का जो बच्चे हैं, कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का काम शुरू किया है। उसके बाद 2 एम्बुलेंस चला के हम गरीबों को अस्पताल तक पहुंचाना, और जो असहाय मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, उन लोगों के पास जिनके पास की धन नहीं होता, अंतिम यात्रा, अंतिम दाह संस्कार के लिए उनके लिए एम्बुलेंस शुरू कर रखी है, और अब तक हम करीब 250 ऐसे शवों को शमशान घाट तक पहुँचा चुके हैं, जिन लोगों के बहुत काफ़ी मतलब ऐसा महसूस हुआ कि इन लोगों को ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। श्री सोलंकी जी ने मैनेजर के रूप में सेवा करने का मौका दिया है। सर, यदि बात करें जाए सर्वजन समाज कल्याण समिति द्वारा जी दूसरा प्रोग्राम आयोजित किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है, और क्या लाडली सम्मान जो है पूरे देश तक होना चाहिए? जी, ये लाडली सम्मान योजना पिछले वर्ष शुरू की गई थी, और ये उन बच्चियों को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग विशेष कार्य कर रही हैं। इस कार्यक्रम से जो है प्रेरणा मिलती है हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को आगे बढ़ने की, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। सार्वजनिक समाज कल्याण समिति, आप जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों से समाज की सेवा में कार्यरत है। ये गरीब, दुर्बल, असहाय सबके जो है सबल बनाने के लिए कार्यरत है सार्वजनिक समाज कल्याण समिति के, आप जानते हैं। जहाँ एक तरफ संस्था इतना बेहतरीन लाडली सम्मान करके समाज की महिलाओं, युवती और बच्चियों को प्रोत्साहित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के कार्यक्रमों में समाज को महिला सम्मान की प्रेरणा भी मिलती है। संदीप कुमार के साथ प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।